आया आया बच्चों के बच्चों भाग रहे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। अभी सुबह के बज रहे 8 और हमारे घर खाना बनना शुरू हो गया। जैसे हम पहले काम करते थे ईंट भट्टी पर, तो सुबह से कि हमारे यहाँ 3 बजे रात से खाना बन जाता था। जैसे कि जल्दी काम पर जाना पड़ता ना, तो बहुत जल्दी खाना बन जाता, बहुत जल्दी उठ भी जाते। क्या खाना बना लेना, खा लेना। खाना भी बना लेना, खा लेना। ठीक है, बना लेंगे। तो मम्मी, दीदी, बिट्टू, तन्नू जाएंगे मामा के घर। दोनों की दोनों पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे। इधर तन्नु ने अपने यहाँ पे बैग रख दिया है। सबको गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग डैड, पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रही हूँ। ये बैग तो खोलो, फिर पढ़ाई होगी बेटू। पढ़ाई कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कल से बिट्टू ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और आज तो संडे, तो पढ़ाई करने के लिए बैठ गया है। मम्मी, आप तो मामा क्या जाने वाले हो, तो अभी क्या कर रहे हो? बेसन किन के लिए? अच्छा, मम्मी को दाल आज अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो मम्मी बना रही है बेसन। ये बेसन बनेगा। तन्ना रोटी मांगने आ गई। और अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ, मुझे भूखी नहीं लग रही थी। मम्मी खाना फिर मैं बना दूंगा शाम को, है ना? दो के लिए तो बनाना है। कमल और मैं रहूंगा घर। दीदी, मम्मी, बिट्टू, तन्नू जाएंगे हम टोटल 6। मम्मी, मैं, बिट्टू, तन्नू और कमल दीदी, हम 6 है, ठीक है। सो कब जाओगे? अभी थोड़ी देर बाद। अभी तो 1 बज गई है। 1 बज गई जाएंगे शाम को, तो 3-4 बजे निकलना। और अभी मौसम भी थोड़ा है, बारिश जैसा हो गया, डेली बारिश हो रही है। कहाँ पे चढ़ गए बकरिया? बादल हो रखे, ये मतलब बारिश आज भी होगी। तो गाइस, रोज की तरह बारिश अभी भी होने लग गई है। मम्मी, बिट्टू, तन्नू मतलब तैयार हो रहे थे जाने के लिए, लेकिन बारिश होने लग गई। कैमरे में देख रहा हूँ कि कहाँ देख रहा हूँ, पता है आईफोन का ना फ्रंट कैमरा, वो पता ही नहीं चलता कहाँ पर है। और मैंने वैसे आप लोगों को बता रखा है कि जब भी आप ब्लॉग बनाओ ना, तो कैमरे में ही देखना, मतलब स्क्रीन पर बिल्कुल भी नहीं देखना। पर मेरे हल्की सी नज़र स्क्रीन पर चली गई थी, क्योंकि मुझे कैमरा दिख नहीं रहा था। बट अभी मुझे नज़र आ गया कैमरा इसका कहाँ है, पता ही नहीं चलता। बहुत बारीक सा फ्रंट में कैमरा है इसका, आईफोन का फ्रंट ही चालू था, तो मैं फ्रंट से शूट कर लिया। वैसे तो मैं पूरा ब्लॉग बैक से ही शूट करता हूँ। आप लोग जैसे पूछ रहे थे, काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप एक कैमरे का एंगल एकदम से कैसे क्या घुमा लेते हो, थोड़ा बताना, जानकारी देना, तो वही आप लोगों को बता देता हूँ। और पहले मैं एंड्रॉइड मोबाइल में जब एडिट करता था, तो काइन मास्टर से करता था। अभी आई मूवीज है इसमें, आईफोन में उसी से एडिट करता हूँ। तो देखो, मैं इस तरह से पकड़ता हूँ, ये देख रहे हो, दिख रहा है, ये पकड़ता हूँ। और डायरेक्ट मैं देखता हूँ कैमरे में, जो कैमरा दिख रहा है ना, इसी के अंदर देखता हूँ मैं, डायरेक्ट कैमरे में देखता हूँ, ताकि जो भी आप में से जो भी ब्लॉग देखेंगे ना, उनको आई कॉन्टेक्ट हो सके। तो यही देख के ब्लॉग बनाना है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को मैंने नोटिस करा, वो स्क्रीन पर ही देखते हैं। बहुत ये नहीं करना है आपको, सिर्फ कैमरे में देखना है, चाहे फ्रंट से बनाओ चाहे बैक से बनाओ। और ज़्यादातर आपको बैक से ही बनाना चाहिए, क्योंकि फ्रंट में कुछ ऐसा हो जाता है कि देखो, आप मान लो कि आप लोगों ने ये फ्रंट कैमरा चालू रखा है, और बहुत जल्दी से आपको बैक का भी शूट करना है, तो पहले तो आपको फ्रंट कैमरा बंद करना पड़ेगा, फिर बैक वाला चालू करना पड़ेगा, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए टाइम बचाने के लिए आपको सिर्फ और बैक कैमरे से शूट करना है। ये देखो, इस तरह से शूट करना है मोबाइल पर। और फिर से अगर आपको सामने का रिकॉर्ड करना है, तो घुमा दो, ये हो गया सामने का रिकॉर्ड हो रहा है। ये मक्खियाँ कहाँ से आ रही है? ये सामने का रिकॉर्ड हो रहा है। फिर सामने का आप लोगों ने बना लिया, खुद का लेना है ये कर लो, सामने का लेना है ये कर लो। और यही एंगल जो भी हो रहा ना, ये जो एंगल हो रहा है ना, ये एडिटिंग होगी ना, उसमें सब सही हो जाएगा। अगर आप ब्लॉगर है, एडिट करते आता है, तो ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यही थोड़ी बहुत बातें थी जो आपको बताना था। काफ़ी सारे मतलब कमेंट मैंने नोटिस करे थे, मैं सोच रहा था टाइम निकाल के बता दूंगा, तो आज बता दिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हो रही है बारिश। बिट्टू कितना क्यूट लग रहा है चट्टे में। बिट्टू ऐसे कपड़े पहने बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। तन्नु की चोटी किस तरह से बना दी? अभी तो बारिश हो रही, मम्मी भी तैयार हो गए है ना, और दीदी भी तैयार हो गए, बट बारिश हो रही है। मम्मी है ना, सुबह से निकल जाना था तो आप लोगों ने, ये मम्मी कभी भी तैयार होती नहीं तो बारिश ही आती है। अब घर में काम खत्म हो गया तभी निकलेंगे। अब बारिश रुकेगी तभी जाना है ना। देखो, आज है संडे, 1:42 हो गए, 10 तारीख है आज। कमल गया था काम करने के लिए, शायद वो भी बिक गया होगा मोबाइल, तो उसने पहुंचा दिया। ट्रैक्टर पे जाता ना काम करने के लिए, आपको बता रखा है कई बार मैंने, सुबह से निकल जाता है काम करने के लिए, लेकिन बारिश होती रहती तो बिक जाता है वो। ये देखो आ गया कमल, पूरा बिक के आया। ये बारिश हो रही थी तो कहीं रुक जाना था, पूरा बिक गया। आप चेंज कर फटाफट। पहले तो हम लोग ईंट भट्टी पर ऐसे सब बिक जाते थे ना, मम्मी ईंट भट्टी पर जब हमारा काम चलते रहता तो बारिश हो जाती थी, तो सब बिक जाते।
हाँ मोबाइल पहुँचा दिया था, आ गया। क्या देख रहे हो आप लोग? हड़िया का बच्चा। काय का बच्चा? हड़िया क्या होता है? हड़िया का बच्चा देख रहे कह रहे। हड़िया क्या होता है? हड़िया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये लोग हड़िया बोल रहे हैं। हड़िया, हड़िया का बच्चा क्या होता है? क्या हड़िया मतलब बताओ? क्या टोचत क्या होता है? ये हड़िया का दूसरा नाम नहीं? कुत्ते को पकड़ लेता मतलब। यहाँ पे देखो ये बच्चा है, लेकिन ये हड़िया का बच्चा बोल रहे। मैं दिखाता हूँ किसका बच्चा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप चारों में से स्कूल कौन कौन जाता है? मैं, चारों जाते हो। और आपको पता नहीं हड़िया को हिंदी में क्या बोलते है? कौन सी क्लास में हो? आप चौथी में। और आपको पता ही नहीं कौ, सॉरी मेरे मुंह से निकले, कौवे का बच्चा कहे का? कौवे। हड़िया नहीं होता है, हड़िया तो अपनी निमाड़ी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में क्या होता है? कौवा। कौवे का बच्चा देखने के लिए आए हुए। देखो ये रहा, यहाँ पर है क्योंकि घोंसला है यहाँ पर कौवों का। ये देखो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर और बच्चे, बट ये ना नीचे तब गिर गया, यहाँ से ऊपर से नीचे गिर गया, लेकिन ये फिर वापिस चले जाएगा वहाँ पर। पिछली बार भी एक बार गिर गया था तो वापिस उड़ के चले गया था वहाँ पर, अभी भी चले जाएगा। अगर उसके पास भी गए ना तो क्या होगा पता है? क्या होगा है? को कौवा आके काटेगा ना, ऊपर बैठ जाता ना सिर पे, तो दूर ही रहना है। हेल्प करने की सोचेंगे ना तो कौवे नहीं करने देंगे, ऐसे काटने के लिए आएंगे वो, इस वजह से पास में नहीं जा रहे हम लोग, दूर से देख रहे हैं। और वो खुद ही ऊपर चले जाएगा अगर कुछ आएंगे, कोई दिक्कत होगी तो। मैं ये कड़ाई वहाँ पर वैसे देख रहा हूँ, अगर टच भी कर दिया उसको कौवे को, उसके बच्चे को, तो कौवा काट के आएगा। नाम क्या है आप लोगों का? अरे आपका नाम कौवा है? आमू नाम है इसका। नाम क्या नाम है? आमू। पूरा नाम क्या है? मेरा रिकेश। रिकेश बिजेश। इसका बिजेश, इसका रिकेश, और चिवानी, इसका आम्बू। इसका नाम बड़ा क्यूट है यार, आम्बू। अमित, अच्छा अमित नाम है इसका, रियल नाम अमित है लेकिन इसका नाम बिगाड़ा भाई आमू आमू करके। बेटा मस्ती मत करो, जाओ काट खाएंगे, भागो भागो। ए दूर बेटा, काट खाएंगे कौवे आके, जाओ उधर जाके खेलो। ये वाला छोटा बच्चा ना, ये ज्यादा बदमाश है, ये वाला। ए ले ये पकड़ा 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 बेटा, बोल रहा हूँ, भाग 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 यहाँ से, भाग 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 भाग, चल आ जा मेरे पास आ जा। बोला था ना परेशान मत करे कौवे को, है बदमाशी ज्यादा है, कैसे काटने आए? बुलाऊं कौवे को? बुलाऊं? देखा काटा क्या? देखो काट खाया ये, देखो निशानी बना दिया कुछ। मैं मना करा था ना आप लोगों को, कौवे के पास मत जाओ काटने के लिए दौड़ेंगे। ये दोनों के दोनों खेल रहे नंगड़ी नंगड़ी, और कुछ रूल्स ऐसे है कि जो भी पत्थर फेंक फेंक के खेल रहे उसको मुंह से उठाना है। देखते हैं इसके अंदर कितना टैलेंट है, कितना मुंह से उठाता है। उठा। ये कौन सा गेम है, कभी खेला है? इसको देखो, चलो गाइस ऐसे नहीं मानेंगे। ओए छटा छटा सामने दे, ओए भागो यहां से। दिखा 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 मुंह दिखा मुंह दिखा, पूरा पूरा गंदा कर लिया। बच्चा हंसती कर ले। अब इसकी बारी। ये तो फिसल ही गया। कौवा 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 काटेगा काटेगा काटेगा। ये कितने आसानी से उठा लेता है, फिर वो उठा लिया इसने। कौवा काटेंगे अब इसको। चुटकी खाओ। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।
ए सही उठो, मुझे मत उठाओ बेटा। ए कबे से दूर रहे, दूर रहे बेटा, काट खाएंगे तेरा तो। तू चले जाएगा, हमको काटेंगे फिर। उठाना मत ना, चला दे वहां से, चल हटो वहां से। कबे के बच्चे को उठा रहे हो? आ गया आ गया। आप में से किसी ने खेला ये वाला खेल तो बताना, जो खेल रहे हैं लोग। ओए क्यों नाम ले रहा उसका? तू ओवर एक्टिंग करता है, तू ओवर एक्टिंग करता है तू। क्यों कहा गया इसके साथ? आए आए ये काटा ये आप गुस्सा आ गया कबो को, गुस्सा मत दिला, और काटने आएंगे। काटा मैंने बोला था ना कि कबे काटेंगे, वही हो रहा है। देखो अभी ना कबे का बच्चा वहां एक जगह था ना, वहां से उड़ के ना दूसरी जगह आ गया। वहाँ पे देखो ये बैठा हुआ है कौवे का बच्चा, वो रहा ठीक है, और कौवा वहाँ पे रक्षा कर रहा, चिपक गया वहाँ पे। अरे नाम मत लेना है, वाह यार मतलब कैसे चल रहा है। देखो बच्चा दीवार में, दोनों पास में जा रहे हैं, अब इनकी बारी है बेटा। सामने कौवे काट खाएंगे तुम दोनों को भी। ये उड़ने की कोशिश करो, कैसे चढ़ रहा है देखो दीवार पे, वो भी ये दीवार पे चढ़ रहा है। तो कुत्ते के पास जा रहे, देखो कुत्ते को टच, परेशान कर रहे कुत्ते को, ये उसको टच कर रहे हैं। कुत्ते की गेम नहीं, अब कुत्तों का और कौवे का देखो झगड़ा। देखो ये, देखो ये दो कौवे कुत्ते पे अटक गए। ये भागा भागा भागा, ये भागा भागा भागा, भागो रे, तुम्हारे बदले मुझे काटेंगे वो। कैसा चिपका हुआ यार, हेल्प अभी करने कैसे जाए, कौवे काटने के लिए जाते हैं सब। ये बच्चों को मैं छोड़ने के लिए जा रहा। अरे छोड़ो मुझे तो छोड़ो। शायद कौवे समझदार है वैसे तो, हर किसी को नहीं काटना चाहिए, वो समझ गए आए। कौवा कागला काटने दौड़ रहे हैं जान ना, उठ लो तेरी जो कागला से कागला शायद बाइक वालों को छोड़ देते। आया आया कौवा आने जाने वाले से चालान काट रहे हैं। और बोल रहे हेलमेट कहाँ है आपका, हेलमेट। किसी किसी को जाने दे रहे। आया आया रास्ते से जो भी निकल निकल के जा रहे सबको काट रहे। ओए अंधेरे रे कौवा, एक काटी खाएगा तू कभी। ये कमल बहुत देर के बाद घर से बाहर निकला, देखो काम पर से आ गया था ना। ए बच्चे इधर, ए बच्चे ले। भागो बेटा भागो भागो भागो, तुमको मारेंगे वो। ए परेशान मत करो, सिधरो। आया आया कमल, कमल आया तेरे ऊपर, देखो तेरे ऊपर। देख आप तेरे ऊपर दौड़ेंगे, ये आया देखो, ये पास में आ गया तेरे, पास। मैं बोल रहा हूँ उसको कि देखना देखना कौवे अटैक करेंगे, लेकिन वे भी नहीं सुन रहा था वो। भाग ले। ए परेशान मत करो, जाओ जाओ परेशान मत करो, जाओ उड़ जाएगा वो, उड़ेगा। बच्चों के बच्चों अरे कौवा बच्चों पर रहते तो काटने दौड़ी रहा हूँ। अच्छा गुस्सा नहीं मत दिला बेटा, आप चले जाओ जाओ घर जाओ 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 सभी सभी जाओ जाओ
जाओ घर जाओ। अब आया कट कर, ये देखो परेशान कर रही है, देखो ये देखो ये देखो तो अभी मुझे जाना है घर के अंदर, गेट लगा दिया है। सब बात तो ठीक है, अभी तो मुझे नहाने का भी टाइम नहीं मिला, नहाना भी है मुझे, बट खाना बना लूंगा ना उसके बाद नहा लूंगा मैं। कबो का देखा होगा आप लोगों ने, जैसे बच्चा उसका नीचे गिरा हुआ था हमारे गेट के पास गिरा हुआ था, ठीक है, पहले तो पेड़ के पास था, वहां से फिर उड़ के ना हमारे गेट के पास आ गया। इंसान तो ठीक है, पक्षियों भी देखो अपने बच्चों का किस तरह से ध्यान रखते हैं। अभी उनका बच्चा मतलब एक उनको लग रहा है कि उनके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसी वजह से वो आने जाने वालों पर अटैक कर रहे हैं। इंसान हो या पक्षी हो, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, ये आज देख लिया मैंने। इससे पहले भी एक बार ऐसा बच्चा नीचे गिर गया था, लेकिन वो खुद ही उड़ के चला गया था, ये भी चले जाएगा, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ कहीं बिल्ली कुत्ता ये नहीं कहीं आ जाए, पकड़ नहीं ले, इस वजह से मैं भी चेक करते रहता हूँ, बट वो तो काटने दौड़ता ही है।